बात को पहले भी दोहरा चुका हूं, फिर से कह रहा हूं कि आप लोग किसी के जमीन के कंस्ट्रक्शन के मामलात में मत जाइए। दो मजलिस के जिम्मेदारों को नोटिस दी गई थी, उनको बुलाकर उनसे बात की गई, उन्होंने अपनी गलती का इतराफ किया। क्योंकि रमजान का मुबारक महीना है, मैंने जनाब पाशा कादरी साहब से कहा कि अगर वो अपनी गलती का इतराफ कर रहे हैं, माफीनामा लिख कर दे रहे हैं, तो उनको एक वार्निंग के साथ उनको कहा जाए कि दोबारा इस तरह की गलती मत करिए। मैं फिर से कह रहा हूं, एक चीज का एक सबर का पैमाना होता है, आप इन चीजों में मत जाइए। अवाम के लिए राहत बनिए, जहमत मत बनिए। बार बार मैं आपको इस बात को कह रहा हूं, इससे मजलिस का नाम मुतासिर होता है, और मैं खामोश बैठकर मजलिस के नाम को मुतासिर होने नहीं दूंगा। तो ये आपसे कह रहा हूं, खास तौर से तमाम अराकीन असेंबली से, अराकीन बल्दिया से, सुदूर मुतमदीन से, और अपने आप से भी कह रहा हूं। तो इसका खास ख्याल रखिए, किसी भी तरीके से इन चीजों में मत जाइए। आपका काम आवाम को राहत पहुंचाना है, हमारा काम स्पीड ब्रेकर बन के किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं है, इस चीज का खास ख्याल रखिए। तीसरी बात यह है कि मैं अराकीन असेंबली से और अराकीन